नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। ये स्टॉक 31.20 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड आज मार्केट में इसने 4.5% के आसपास का डाउन मूव दिया है, 4.43% का। मार्केट कैप है इसकी 8,175 करोड़ की, प्रमोटर होल्डिंग जीरो है, बुक वैल्यू 25.50 है, डिविडेंड पी स्टॉक देता है 0.96% की डिविडेंड यील्ड है, फेस वैल्यू इसकी 1 है। नाम से ही जैसे हमें पता चल रहा है कि ये एक बैंक है। इसकी फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। अभी ये स्टॉक 50 and 200 डीएमए से ऊपर ट्रेड करा है जो कि एक अच्छी बात है। पीई बिल्कुल मीडियम पे है, अगेन एक प्लस पॉइंट है एंड सेल्स एंड मार्जिन, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल इंटैक्ट है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रही है। सो अभी चलते हैं हम चार्ट पे। तो चार्ट की बात करें, देखिए जैसे कि आपको पता है कि मार्केट आज बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से करेक्ट हुई है, तो इस पर भी उसका असर देखा गया है एंड साथ में इस पर असर उसका भी देखा गया है कि जो इसका राइट इशू आया था, तो मैंने कल भी बोला था वीडियो में कि हो सकता है उसकी भी यहाँ पे सेलिंग हुई है। कल पिछले कल उसका रिकॉर्ड डेट थी, तो आज लोगों ने यहाँ पे उसकी भी सेलिंग की होगी। तो कल भी मैंने वीडियो में ये डिस्कस किया था कि हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत डाउन मूव देखा जाए। तो एंट्री पॉइंट पर हमने बात करी थी कि एंट्री का मुझे लगता नहीं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सही एंट्री का पॉइंट है, क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए तो है ही नहीं, मुझे लगता नहीं है। पर एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं यहां पे एंट्री नहीं करती, क्योंकि जब मुझे पता है स्टॉक थोड़ा नीचे गिरेगा तो ऑफ कोर्स मैं नीचे एंट्री करूंगी। ठीक है, तो अभी एंट्री के पॉइंट से पहले हम चलेंगे बीएससी पे। तो देखिए इसका प्राइस बैंड जो है वो 20% का है एंड न्यूज कोई अभी है नहीं जिसका इसके प्राइस पे अप या डाउन मूव में कोई भी फर्क पड़ेगा। तो देखिए आरएसआई को देखें तो 50.36 पे है ये एंड मुझे लगता है स्टॉक करेक्ट हो चुका है एंड आपने काफी सपोर्ट पे ये ट्रेड कर रहा है एंड गिरने कोई और भी नीचे गिर सकता था अगर इतनी ही ज्यादा सेलिंग होती, तो मुझे लगता है यहाँ पे बायर्स एक्टिव भी हो गए। तो अगर मार्केट सही रही एंड मार्केट में और करेक्शन नहीं आया तो मुझे लगता है यहाँ पे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का एंट्री पॉइंट बनता है। सो मैं यहाँ पे होती तो मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के लिए एंट्री बनाती। लॉन्ग टर्म के लिए देखिए राइट इशू के बाद थोड़ा सा जब उसका आ जाएंगे राइट इशू लोगों के अकाउंट में आ जाएंगे तो मुझे लगता है स्टॉक फिर से नीचे गिरेगा, क्योंकि सारे लोग नहीं होते हैं जो होल्ड करते हैं। कुछ लोग जैसे उनके राइट इशू आते हैं वैसे वो सेल भी कर देते हैं, तो वो भी एक कंसर्न की बात है यहाँ पे। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखे ही हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि लगभग लगभग इसका जो इसके राइट इशू की इशू डेट है वो है 6 मार्च की, जो इसकी ओपनिंग डेट है वो है 6 मार्च की एंड राइट इशू की क्लोजिंग डेट जो है वो 20 मार्च की है। तो मुझे लगता है 6 और 20 के बीच ना काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा स्टॉक। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखे ही यहाँ पे एंट्री बनाने की हम करेंगे। अब लॉन्ग टर्म की मैं यहाँ की बात कर रही हूँ कि जब तक इसका नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आता एंड शॉर्ट टर्म की बात कर रही हूँ कम से कम 1.5 महीने के लिए। तो कईयों के लिए शॉर्ट टर्म होता है, मेरे लिए वो शॉर्ट टर्म है क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करती हूँ। कईयों के लिए नहीं होगा, कईयों के लिए लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, तो मैं इसीलिए यहाँ पे डेज मेंशन कर रही हूँ कि इतने के लिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक फिर से अपने 37 के प्राइस टारगेट या 40 को फिर से टच करने की कैपेसिटी रखता है मुझे लगता है। हाँ, पर इसमें ये जरूर होता है कि देखिए मैंने पहले भी बोला है वीडियो में कि ये सारे जो हम एनालिसिस करते हैं वो होती है बेस्ट मार्केट सिनेरियो के लिए। इस सिनेरियो के लिए मैं इसीलिए हमेशा बोलती हूँ कि अपना स्टॉप लॉस हमेशा लेके चलिए कि मार्केट का कोई पता नहीं होता है, मार्केट अनप्रिडिक्टेड है, कोई इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, तो सिर्फ एनालाइज कर सकते। तो एनालिसिस में जो ये सडन चेंज आते हैं, मार्केट गिर जाना या करेक्शन होना, वो नहीं किसी को भी पता होता। तो इसीलिए बोलती हूँ कि स्टॉप लॉस हमेशा लेके चलिए आप अपना। ठीक है, तो ये मेरे एनालिसिस है, बाकी बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने एनालिसिस कीजिए, जानिए समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।